महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी समाजवादी चिंतक स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती व महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान दिवस अवसर पर शनिवार को बेतिहाता स्थित सपा कार्यालय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी की अध्यक्षता सपा जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने किया, संचालन जिला महासचिव जवाहरलाल मौर्या ने किया। कार्यकर्ताओं ने समाजवादी चिंतक स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दिया। इस दौरान प्रमुख रूप से सांसद प्रवीण कुमार निषाद, जवाहरलाल मौर्या, डॉक्टर मोहसिन खान, अवधेश यादव, यशपाल रावत, मनु रोजन यादव, रूपवती बेलदार, मिर्जा कदीर बेग, श्याम देव निषाद, पंकज शाही, राम जतन यादव, दयानंद विद्रोही, सिंहासन यादव सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा, माननीय प्रवीण कुमार निषाद जी से प्रत्याशी रहे आदरणीय श्री मंदिर भाई नंदन यादव जी, आगे रामलाल यादव, विधानसभा के सदस्य भाई संतोष शंकर गौड़ जी और उनके साथ समाजवादी प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूँ। अपने पिताजी के साथ तमाम कार्यक्रमों में भाग लेते रहे। गांधी जी के प्रथम उसमें गांधी जी से बहुत प्रभावित भी हुए थे। यादव जी इस कार्यक्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री हमारे गांव। आज 23 मार्च है और 23 मार्च को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो हमारे समाजवाद के जनक हैं उनका जन्म हुआ था और भारत में शहीद आजम के नाम से जाने जाने वाले आदरणीय शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को देश की आज़ादी, जंगे आज़ादी के लिए अंग्रेजों ने फांसी दिया था उनका शहादत दिवस है। समाजवादी पार्टी अपने विचारधारा को देने वाले, समाजवाद को देने वाले आदरणीय लोहिया जी के जन्मदिवस को और अपने क्रांतिकारी शहीदों के शहीदी दिवस को मनाने के लिए लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं।